हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के ऊपर। क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है और दो क्वेश्चन का वेटेज भी रखता है आपके नीट एग्जामिनेशन के अंदर, तो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन कह रहा है सेमिनल प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन मेल्स इज रिच इन। सेमिनल प्लाज्मा के अंदर किस किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो उसके अंदर फ्रक्टोज और कैल्शियम सेमिनल प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी यानी रिच मात्रा में पाया जाता है, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, लेकिन इसने पूछा ज़्यादा मात्रा में यानी रिच किस चीज़ के अंदर, तो फ्रक्टोज और कैल्शियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजा इफ्रेंसिया आर द डक्ट प्रेजेंट बिटवीन। वेजा इफ्रेंसिया मेल एसेसरी डक्ट है, इसका काम होता है आपके जो स्पम है वो टेस्टिस से यानी मेल गैमेट जिसको हम स्पम को कहते हैं वो टेस्टिस से कहाँ पे पहुँचाने होते हैं, इसको एक्सटर्नल जेनेटल मीटर्स तक पहुँचाने होते हैं, ठीक है, यानी यूरेथ्रा के एक्सटर्नल पॉइंट तक पहुँचाने होते हैं जिसको मीटर्स वगैरह कहते हैं। तो किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपका टेस्टिस से अटैच होता है रीटी टेस्टिस, उसके बाद में आएगा आपका वेजा इफ्रेंसिया, उसके बाद में एपिडिडाइमिस, उसके बाद में वेजा डिफ्रेंसिया। तो आपको पता चल ही गया होगा आंसर रीटी टेस्टिस और एपिडिडाइमिस के बीच में प्रेजेंट होता है, तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल्स मेल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहा है कहाँ पे पाए जाते हैं, टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। टेस्टिस के अंदर भी कहाँ पाए जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर पाए जाते हैं। ओके, फंक्शन क्या है, जो मेल जर्म सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो थर्ड इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर सम रीजन द वेजा डिफरेंसिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड द गैमेट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। यदि वेजा डिफरेंसिया ब्लॉक हो गई तो गैमेट कहाँ से कहाँ तक नहीं जाएंगे, तो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि रीटी टेस्टिस और एपिडिडाइमिस के बीच के अंदर वेजा इफ्रेंसिया पाया जाता है, तो वेजाइना का तो इसके अंदर कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, ये मेल की बात हो रही है तो वेजाइना का कोई रोल नहीं है, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग, तो टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस सेकेंड वाला सही आंसर दिखाई दे रहा मुझको। टेस्टिस से एपिडिडाइमिस के बीच में ये जंक्शन होता है वेजा इफ्रेंसिया, और यदि ये ब्लॉक हो जाएगा तो जो गैमेट ट्रांसफर है वो नहीं होगा टेस्टिस से एपिडिडाइमिस के अंदर। ओके, तो थर्ड में लिखा है एपिडाइमिस टू वेजा डिफरेंसिया, इसके बीच में नहीं होता है, तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेकंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द मेमेलियन ओम अकर्स। जो ह्यूमन फीमेल है उसके अंदर ओम के अंदर जो मेमेलियन ओम, जरूरी नहीं है कि ह्यूमन फीमेल हो, ठीक है, वो मेमेलियन ओम का है, कह रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो क्या कह रखे, द सेकंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ मेमेलियन ओम अकर्स, कब होता है सेकंड डिवीजन ओम के अंदर कब होता है। देखिए, फर्स्ट कब होता है, जब जो गैमेट मदर सेल्स हैं ऊगोनिया हैं फीमेल के अंदर, वे जो सेल्स हैं वो डिवीजन करती है, वहाँ पे वो मियोटिक डिवीजन करती हैं, उसी को हम फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहेंगे, ठीक है, उससे क्या है प्राइमरी फॉलिकल्स वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन तो हो गया जन्म के पहले ही हो गया, ठीक है, जब वो फोटस के रूप में था, उसकी डिलीवरी नहीं हुई थी, उससे पहले ही उस गर्ल के अंदर क्या था, बेबी के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो चुका था। इस क्वेश्चन ने पूछा कि सेकेंड डिवीजन कब होता है, तब होता है जब Until after the ओम has been penetrated by a sperm, तब तक नहीं होगा सेकेंड, जब तक एक ओवम को कोई स्पम आके पेनीट्रेट ना कर दे, ठीक है, उसके अंदर दाखिल ना हो जाए उसकी बाउंड्री के अंदर, तब तक, तो सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट कब होता है मियोटिक डिवीजन, सेकेंड कब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्पम फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिएगा, स्पम फॉर्मेशन की करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। सबसे पहले आपका होता है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, मेल जर्म सेल्स, उनसे क्या होगा, उनके अंदर डिवीजन होते हैं, उनसे बनेगा आपका स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर फर्दर डिवीजन होंगे तो स्पर्मेटिड बनेगा, आफ्टर दैट स्पर्मेटोजोआ बनेगा, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या है, स्पर्मेटोजोआ यानी स्पम। ओके, तो ये करेक्ट सीक्वेंस है फोर्थ वाली। ओके, फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर डिप्लॉयड ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस जब यानी गैमेट बन रहे होते हैं उस समय कौन सी सेल्स डिप्लॉयड होती है. तो इसका राइट आंसर आपका स्पर्मेटोगोनिया. क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, मेल जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, ये डिप्लॉयड होती है. इनके अंदर फर्दर डिवीजन होगा, क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, ठीक है. उनकी जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, यानी डिप्लॉयड तो यही है स्पर्मेटोगोनिया. बाकी जो आपका सेकंड पोलर बॉडी हो गया, आपका स्पर्मेटिड हो गया, आपका फर्स्ट पोलर बॉडी हो गया, सब के सब हैप्लॉयड है, लेकिन डिप्लॉयड आपका सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया. तो फोर्थ आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ बर्थ डेवलपमेंट ऑफ ओवम इज अरेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ. जो ओम की डेवलपमेंट है फीमेल के अंदर वो किस टाइम पे अरेस्ट होती है, यानी स्टॉप हो जाती है बर्थ के टाइम पे, तो वो होती है प्राइमरी ओसाइट्स की फॉर्म में, ठीक है. प्राइमरी ओसाइट की स्टेज पर आकर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है. ये स्टार्ट कब होती है, जब फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आनी शुरू हो जाती है, उस समय स्टार्ट होती है. लेकिन अरेस्ट यानी स्टॉप कहाँ पर हो जाता है, प्राइमरी ओसाइट स्टेज पर. फर्दर प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होता है, फर्दर प्रोसेस होती है, प्राइमरी ओसाइट्स की डेवलपमेंट शुरू होती है. तो अरेस्ट होती है फर्स्ट टाइम प्राइमरी ओसाइट की फॉर्म में. सेकंड आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डेफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ. कहता है कि ह्यूमन फीमेल के अंदर यदि हमको मेंस्ट्रुएशन डेफर्ड करनी है यानी स्टॉप करनी है, तो किस किस का हमको एडमिनिस्ट्रेशन यानी क्या क्या हमको खाना पड़ेगा या उसको फीमेल को देना पड़ेगा. तो उसके अंदर हमको कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन पिल हमको देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन आपकी क्या हो जाए, डेफर्ड यानी स्टॉप हो जाएगी. तो कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन, ठीक है. तो फोर्थ आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस. मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉर्पस ल्यूटियम, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको इसका फंक्शन जरूर याद होना चाहिए. एक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये प्रोगेस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है. आफ्टर प्रेगनेंसी कन्फर्म होने के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोगेस्टेरोन सिक्रेट करता रहता है, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, ठीक है. तो मेन फंक्शन यही है कि प्रोगेस्टेरोन सिक्रेट करता है. तो सेकंड आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन इज कॉल्ड. सेसेशन का मतलब है कि स्टॉप हो जाना मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर. तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है. अराउंड द एज ऑफ 50 फीमेल के अंदर क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, सेसेशन इसने कह दिया है. तो उस जो डेफिनेशन किसकी है, मेनोपॉज की. तो थर्ड आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोली, ठीक है. जो एवरेज ब्रेस्ट के अंदर क्या होते हैं, 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, और इन मेमोरी लोब्स के अंदर सेल्स के क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है. किससे मिलके बने होते हैं, किसके होते हैं, एल्वियोली के होते हैं. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ट्यूबेक्टोमी इज डन इन 25 ईयर्स ओल्ड फीमेल. यदि 25 ईयर्स ओल्ड फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी करवा दी जाती है तो विच स्टेटमेंट विल बी करेक्ट आफ्टर दिस सर्जरी. इस सर्जरी के बाद में कौन सी स्टेटमेंट हमको हम कह सकते हैं कि सही होगी, ठीक है, वो बात हो सकती है. तो देखिए, ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या होगा, आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट करके टाइड कर दिया, बांध दिया जाता है, जिससे कि आपका जो ओम है वो फर्दर यूट्रस की तरफ नहीं पहुँच पाता है, और ना ही आपका जो मेल गैमेट है, स्पर्म वगैरह है, वो वहाँ तक एम्पुलाइसमस जंक्शन तक पहुँच सकते हैं, ठीक है. तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्टैक्ट बचाया गया है, ठीक है, ओम स्पर्म के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होने दिया, जिससे क्या होगा, ना तो जायगोट बनेगा, ना एम्ब्रियो, ना प्रेगनेंसी होगी. ओके, तो इसमें क्या होगा, कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी. नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती कब है, जब ओम का फर्टिलाइजेशन ना हो, और इस प्रोसेस होने के बाद में ओम का फर्टिलाइजेशन तो ऑटोमेटिक ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों का स्पर्म और ओम का कोई मेल जोल ही नहीं होगा, तो कहाँ से होगा उनके बीच में फर्टिलाइजेशन. तो फर्स्ट ठीक है कि फर्स्ट ये गलत कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप नहीं होगी. सेकंड कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स इरेगुलरली. मेंस्ट्रुअल साइकिल ना तो इरेगुलर होगी ना ही स्टॉप होगी, वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, नो इफेक्ट. थर्ड ऑप्शन में यही कह रहा है कि नो इफेक्ट ऑन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो आपका थर्ड राइट आंसर होगा.
ट्यूबेक्टोमी के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, चेंज होते रहेंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवेरियन चेंज होते रहेंगे, क्योंकि ओवेरी से हमने कुछ किया थोड़ी ना है, वो तो अपना जो साइकिल चलाती रहेगी। तो थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि यदि हम ट्यूबेक्टोमी करवा देते हैं तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो नॉर्मल होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इनमें से ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जिसको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं कर सकते, वो हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला, बेस्ट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड डिस्ट्रॉय द एसिडिटी ऑफ वेजाइना। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसके सिक्रीशन से जो एसिडिटी होती है वेजाइना की, वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, वो हमको बताना। तो वो है, उस ग्लैंड का नाम है बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हॉर्मोन काजिज स्ट्रॉन्ग यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है तो उस समय पे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की, यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो किस हॉर्मोन के कारण होती है, तो उस हॉर्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा, उस टाइम पर ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्चुरेशन इज ए, ठीक है, आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है। पार्चुरेशन क्या है, एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, पार्चुरेशन एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ओके। तो थर्ड इसका राइट आंसर होगा, न्यूरो एंडोक्राइन, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो ब्रेन है वो भी काम, ब्रेन भी कोऑर्डिनेट कर रहा है किसके साथ में, हॉर्मोन्स के साथ में, ठीक है। हॉर्मोन्स जैसे ऑक्सीटोसिन है, वो क्या करेगा, यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। ब्रेन कैसे काम करेगा कि सिग्नल भेजे जा रहे हैं लगातार कि ऑक्सीटोसिन और प्रोवाइड कराओ, और प्रोवाइड कराओ, जिससे कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रॉन्गर होती जाएगी और बेबी एक्सपायर्ड आउट हो जाएगा और डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। तो न्यूरो ब्रेन का भी काम चल रहा है यहाँ पे, हॉर्मोन का भी काम चल रहा है, तो ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है पार्चुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम। पार्चुरेशन होना है तो पार्चुरेशन प्रोसेस होने वाली है, तो इसके सिग्नल हमको कहाँ से मिलते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेसेंटा एज वेल डेवलप्ड फोटस, इन दोनों से क्या हमको सिग्नल मिल जाते हैं कि पार्चुरेशन होने वाली, प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। तो सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चेंज डज नॉट अकर ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ऐसे कौन से चेंज जो पार्चुरेशन के दौरान चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे चेंजेस जो नहीं होते हैं। देखिए, ड्यूरिंग पार्चुरेशन आपका ऑक्सीटोसिन का लेवल भी इंक्रीज होता है, रिलैक्सिन भी सिक्रीटेड होता है, और जो प्रोगेस्टेरोन है उसका सिक्रीशन भी स्टॉप हो जाता है। तो बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन, कह रहा है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस बिकम टाइट, टाइट नहीं होता है, लूज हो जाता है, ठीक है। तो डज नॉट, ये नहीं होता है, ठीक है, टाइट नहीं होता है। फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड एग ऑफ वुमेन्स। चलिए देखते हैं क्लीवेज प्रोसेस के बारे में क्या क्या ठीक है क्या नहीं है। इट स्टार्ट वाइल द फर्टिलाइज्ड एग इज इन फेलोपियन ट्यूब। बिल्कुल सही, फर्स्ट वाला एक करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो क्लीवेज है वो जब हमारा जो गैमेट है, जो जायगट है, जायगट बन जाता है, तो उस टाइम पे जब वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, इस्थमस जंक्शन पे होता है, तभी उसके अंदर क्या हो जाता है, क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जब वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द वगैरह है नहीं तो हम बाकी ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। तो आप सोचोगे कि कई सारे बच्चे सोचेंगे सिनगैमी होना चाहिए आंसर, लेकिन वो क्वेश्चन पढ़ने में समझने में थोड़ी मिस्टेक कर गई। क्या मिस्टेक, क्योंकि जो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स लिखा है यहाँ पे, यदि ध्यान से देखें तो इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स है मेल एंड फीमेल गैमेट के, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम को कहेंगे हम एम्फीमिक्सिस। तो फोर्थ आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। सिनगैमी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है किसका, मेल और फीमेल गैमेट का, इंटरमिक्सिंग होती है किसकी, मेल और फीमेल गैमेट की, उसको हम सिनगैमी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम की मिक्सिंग हो रही है तो उसको हम एम्फीमिक्सिस कहेंगे। तो फाइनल आंसर आपका फोर्थ वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पर्म एंजाइम्स हेल्प्स टू पेनिट्रेट जोना पेलुसिडा। जो हमारे जो ओम होता है उसकी
जो लेयर होती है जोना पेलिसुड है उसको क्रॉस करने के लिए किस एंजाइम किस स्पर्म एंजाइम की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, तो वो है एक्रोसिन की। ठीक है, ये हेल्प करता है पेनिट्रेट करने के लिए। तो थर्ड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेयर्स ऑफ ओम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, जो ओम है उसकी लेयर्स के बारे में उनको बताना। सबसे जो फर्स्ट होती है कोरोना रेडिएटा, सबसे बाहरी होती है कोरोना रेडिएटा, उसके बाद में जोना पेलुसिडा, उसके बाद में वाइटेलिन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आउटर मोस्ट है कोरोना रेडिएटा, आफ्टर दैट जोना पेलुसिडा, आफ्टर दैट वाइटेलिन मेम्ब्रेन। ओके, फर्स्ट आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन हुमेन्स प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूटरस। डेसिकेशन का मतलब होता है कि अलग हो जाना, टूट जाना। ठीक है, तो एम्ब्रियो जब कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा के थ्रू यूटरस के अंदर, तो कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है जो इस डेसिकेशन को, जो इस तुड़ाव को, जो इस जो अलग नहीं होने देता, मतलब हमारा जो एम्ब्रियो है उसको यूटरस से, तो वो होता है आपका एमनियोन। ठीक है, इस मेम्ब्रेन का रोल होता है, ठीक है, जो डेसिकेशन से प्रिवेंट करता है एमनियोन। ठीक है, तो सेकंड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोंग द फॉलोइंग विच हॉर्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा भी गया है कि प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं करती है। प्लेसेंटा HCG, HPL और रिलैक्सिन तीनों के तीनों सिक्रेट करती है, और ये तीनों के तीनों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सीक्रेट होते हैं, ऐसे नहीं करती है। तो प्लेसेंटा भी तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही आती है, तो HCG, HPL और रिलैक्सिन ये तीनों प्लेसेंटा द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, लेकिन जो आपका TSH है, थायरॉयड स्टाइमुलेटिंग हार्मोन, ये प्लेसेंटा सिक्रेट नहीं करती है। हमसे पूछा था नोट कौन सा नहीं है, तो थर्ड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल हु कांट प्रोड्यूस ओवम फीमेल हु कांट प्रोड्यूस ओम बट कैन प्रोवाइड स्टेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कुड बी असिस्टेड बाय। ऐसी फीमेल जो ओम प्रोड्यूस तो नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है, स्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट आगे हो सके, तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक आएगी वो टेक्निक हमको बताना है। तो यहाँ पे हमको गैमेट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, गैमेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इसका आंसर होगा गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो सेकंड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर इतने एमसीक्यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ये क्वेश्चन सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली ऐसे ही चलती रहेगी आपके एग्जाम तक। तब तक के लिए जी लगाकर स्टडी कीजिए, पूरा मन लगाकर स्टडी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।